दोस्तों आज के बात करें कि आप अपनी BSNL की सिम कैसे न्यू बाय कर सकते हो या फिर उसे कैसे पोर्ट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन अपने फोन से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो बने रहे एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों BSNL सिम को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन का क्रोम ब्राउजर या फिर कोई सा भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसे ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है बाय BSNL सिम, ठीक है। आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप करके सिंपली सर्च आउट कर देना है। एंड उसके बाद ये वाली फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पर इसे ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सभी को इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको आपको क्या करना है, सिंपली सा स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे नीचे की साइड में आपको जाना है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड का। तो आपको दोस्तों यहाँ पर प्रीपेड वाले ऑप्शन पर को सिंपली यहाँ पे क्लिक आउट करना है। एंड उसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में आप जाते हो ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको न्यू कनेक्शन एंड यहाँ पे दोस्तों आपको पोर्ट नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों अगर आप जियो नंबर या फिर VI नंबर या फिर एयरटेल नंबर यानी कोई भी से भी अगर आप उस नंबर को पोर्ट कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर वाले ऑप्शन पर को चुनना है। एंड यहाँ पर अगर आप न्यू सिम चाहते हो, नया कनेक्शन चाहते हो, BSNL का नया सिम लेना चाहते हो, तो आप न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक आउट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर नया सिम लेना चाहता हूँ, न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चूज ऑपरेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आपको सिंपली क्या करना है, BSNL वाले इस ऑप्शन पर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक आउट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग देखोगे यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा अपना FRC प्लान। ओके, यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट योर FRC प्लान आप सभी को ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको अपने हिसाब से अपना कोई भी एक प्लान को चूज कर लेना है, यानी कि आपको अपने जो प्लान का पैसा है वो सिर्फ देना होता है, आपको जो सिम है वो बिल्कुल यहाँ पे फ्री में मिलती है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान यानी जो भी रिचार्ज होगा उसका यहाँ पर पैसा देना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 199 रुपए वाले प्लान को यहाँ पर आप देख सकते हो 30 दिन की वैलिडिटी है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप लोगों को 2 GB यहाँ पर डे देखने को मिलेगा। ये बहुत ही यहाँ पे आप देख सकते हो सस्ता प्लान है, जो कि जियो एयरटेल से यहाँ पर सस्ता ही हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो 229 वाला प्लान है दोस्तों, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 30 दिन की वैलिडिटी एंड यहाँ पे 2 GB पर डे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ से इजी टू इजी यहाँ पर जो भी आपको पसंद हो, जो भी प्लान आप यहाँ पे करना चाहते हो, 45 दिन का प्लान यहाँ पे 249 रुपए का है, जिसमें आपको 2 GB पर डे यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी प्लान लेना चाहते हो उस पर सिंपली क्लिक आउट कर देना। मैं यहाँ पर सबसे सस्ता वाला प्लान जो 199 रुपए वाला है, जिसमें हम मुझे यहाँ पर 30 दिन की जो वैलिडिटी है एंड 2 GB पर डे मिलेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक आउट कर देता हूँ दोस्तों। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले तो अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। एंड यहाँ पे नाम तो डालना है, एंड उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, आपको मोबाइल नंबर वो डालना है जिसमें आपको एक OTP जाएगा, तो आपको उसे यहाँ पे आपको जो ऑर्डर है वो कंफर्म होगा। तो यहाँ पर ये डालने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पर आपको एड न्यू एड्रेस वाले इस ऑप्शन पर सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना जो फुल एड्रेस है वो डालना है, एंड जो फ्लैट हाउस वगैरह जो भी यहाँ पर एक दो नंबर जो डालना होता है वो डाल देना। एंड यहाँ पर इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, लैंडमार्क यहाँ पर ऑप्शनल है, इसको डालो आप चाहे ना डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले चेक यहाँ पर पिन कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एरिया का जो पिन कोड है दोस्तों उसे यहाँ पर डाल कर चेकआउट कर लेना है कि आपका एरिया में ये BSNL सिम प्रोवाइड हो सकती है, डिलीवरी बॉय लेकर आ सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है दोस्तों उसे सबसे पहले यहाँ पर डाल लेना है। मैं तो यहाँ पर डालता हूँ अपना जो एरिया का पिन कोड है। एंड उसके बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर ये नॉट अवेलेबल बता रहा है, यानी कि मेरे एरिया में ये बंदा सिम लेकर नहीं आ सकता, इस BSNL सिम को यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप अपने एरिया का डाल के चेकआउट करोगे तो यहाँ पर अगर देना होगा तो वहाँ पर वो अवेलेबल दिखाएगा, अगर नहीं देना होगा तो इस तरह से नॉट अवेलेबल दिखाएगा। तो पहले यहाँ पर इसे चेकआउट कर लेना, उसके बाद एड्रेस वगैरह डाल करके सिंपली अपना जो ऑर्डर है दोस्तों उसे यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल करके सिंपली सेव एड्रेस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो दोस्तों वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 से 4 दिन बाद जो भी डिलीवरी बॉय लेकर आता है आपकी BSNL सिम को, वो दोस्तों आपको वहाँ पे कॉल करेगा, जो भी नंबर आपने यहाँ पे डाला होगा वो बंदा आपको वो उस नंबर पर कॉल करेगा और आप जाकर वहाँ से दोस्तों उस सिम को इजीली ले सकते हो आपके घर पर। तो इस तरह से यार आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से BSNL सिम को दोस्तों बहुत ही आसानी से अपने घर पर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हो इस तरीके से।